أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों और मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हज़रात, अलशिफा हर्बल रिसर्च सेंटर की जानिब से आपके लिए गिज़ाइयत से भरपूर आपकी खिदमत में हरीरा बयान किया जाता है। ये हरीरा बहुत मशहूर है, आम पंजाबी लोग इसे पंजीरी भी कहते हैं। आज हम उसकी अफादियत भी बताते हैं और उसकी ताकत का अंदाजा आपको बताते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, ये बहुत नायाब गिजा है, छोटे बड़े सब खाते हैं और खाना भी चाहिए। आपके बर्गर से बेहतर है, आपके शवारमे से बेहतर है, आपके पिज्जे से 10,000 गुना बेहतर है। आप सर्दी के इस महीने में अगर इस हरीरा को खाते हैं तो आपका सूखा हुआ बदन तंदुरुस्तो तवाना हो जाता है, आपके अंदर मर्दाना ताकत भरपूर बन जाती है, आपकी जोड़ों का दर्द कम पड़ जाता है, पट्ठों को ताकत मिलती है। जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके दिमाग की ताकत 100 गुना बढ़ जाती है, नजर को तेज करता है, गुर्दों को चर्बी चढ़ा देता है, कमजोर गुर्दे ताकतवर हो जाते हैं। मगर एक जरूरी हदायत भी साथ बताता हूं कि जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल बड़े होते हैं, यूरिक एसिड बड़ा होता है, ब्लड यूरिया बढ़ जाता है, या जिनके जिगर मुतासर हैं या जिनके गुर्दे मुतासर हैं, वो ये गिजा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, ये गजा गजाइयत से भरपूर है, मगर ये जो बीमार लोग हैं, जो तंदुरुस्त नहीं हैं, सबसे पहले उनको अपने इलाज करा लेने चाहिए, उसके बाद ये गजा इस्तेमाल की जा सकती है। तो नुस्खा पेशे खिदमत है, बादाम की गिरियां आधा किलो, काजू एक पाव, पिस्ता एक पाव, किशमिश डेढ़ पाव, खोपरा साफ सुथरा ताजा जिसमें स्मेल ना आती हो एक पाव, सौंफ जिसे बादियां भी कहते हैं आधा पाओ, और भुने हुए चने जिनका छिलका उतरा हो, साफ सुथरे हो, आधा किलो, देसी घी एक किलो, और चीनी या मिश्री हस्बे जायका डालनी है। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, बनाने का तरीका यह है कि बादाम, काजू, पिस्ता, खोपरा और भुने हुए चने, इन सब को आपने पीस लेना है, पाउडर तैयार कर लेना है इन सब का, सौंफ नहीं पीसनी और ना ही किशमिश पीसनी है। जब ये सारी चीजें पाउडर हो जाएं, सौंफ किशमिश साबुत डालनी है, साबुत डालने के बाद
सबका पाउडर बनाकर मिक्स कर लेना है, एक एक चीज को सबको यकजान कर लेना है। अब देसी घी को बड़ी सारी कड़ाही में जो स्टील की हो उसमें डालकर देसी घी को गर्म करना है। जब सारा घी पिघल जाए तो उसमें चीनी मिला दें। चीनी मिलाने के बाद थोड़ी देर उसको हलाते रहें ताकि चीनी सारी मेल्ट हो जाए। उसके बाद सारा पाउडर जितना भी आपने तैयार किया हुआ है उन सब को बीच में डाल देना है। आंच को धीमी रखना है और सबको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये सब चीजें जब बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाएं तो इन सब को लाइट ब्राउन करने के बाद आग को बंद कर देना है। और जब ये सारी चीजें तैयार हो जाएं तो आपका हरीरा तैयार है। गार्निश करने के लिए आप सेब का मुरब्बा बिल्कुल छोटे छोटे काश करके ऊपर छिड़क सकते हैं और पेठा जो बना हुआ हो जिसको मिठाई वाली दुकान से मिल जाया करता है उसको काट कर छोटा छोटा डालकर ऊपर छिड़क सकते हैं। ये देखने में खूबसूरत भी होगा और जायका भी बहुत ज्यादा बढ़ जाया करता है। जब आप लोग सुबह उठें अपना दांत वगैरह साफ करें, गला साफ करें, साफ करने के बाद थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें। करने के बाद आपने कोई नाश्ता नहीं करना, हरीरा का इस्तेमाल करना है। 3 से 4 चम्मच नौजवान लड़का, बच्चे को 1 से 2 चम्मच और बूढ़े को 1 से 2 चम्मच हाफ अंडा साथ में मिलाकर खिलाने से ऊपर उसके दूध का इस्तेमाल कराएं। उसके बाद उसको 12 बजे तक कोई खाने में कुछ चीज इस्तेमाल नहीं करनी, ना कोई बर्गर खाना है, ना कोई शवारमा खाना है, ना कोई दीगर कोई फल खाना है। जब आपको खूब अच्छे तरीके से भूख लगी हो तो फिर दोपहर को खाना खा लीजिए। तो ये तो था आपके लिए बेहतरीन गजाई हरीरा जो आपके बदन को तंदुरुस्त तवाना करने के लिए है। अल्लाह आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह खैर। खुदा हाफिज़।